Hi and welcome to my closet. एक साल हो गया है नए घर में शिफ्ट होके and I have still not given you a closet tour which is out of my mind. But this is my closet. एक disclaimer है कि usually पूरे दुनिया को या किसी मेहमान को दिखाने के पहले हम पूरा घर साफ करते हैं बट मैंने मेरा क्लोजेट देखा भी नहीं है कि अंदर से कैसा है तो मैं आपको मेहमान की तरह ट्रीट नहीं कर रही तो मुझे प्लीज जज मत करना बहुत ज्यादा मैसी है सो विद दैट लेट्स बिगिन तो दिस इज द मेन कंपार्टमेंट लाइक सबसे बड़ा कंपार्टमेंट ऑफ द क्लोजेट एंड यहाँ पे एक रॉड है जहाँ पे मैं हैंगर्स लगा सकती हूँ सारे अलग टाइप के हैंगर्स है आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट द हैंगर्स तो राइट साइड से स्टार्ट करें तो आई हैव ऑल माई फुल स्लीव हुडीज एंड स्वेट शर्ट्स सारे फुल स्लीव वाले बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जगह रोकते हैं एंड आई पर्सनली लाइक कि जो भी बड़े बड़े कपड़े होते हैं जो ज़्यादा स्पेस लेंगे घड़ी करने में उसको हैंगर में डालना बेटर है तो ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं एक साथ तो ऑल माई फेवरेट वंस आर हियर देन आते हैं मेरे पैंट्स बिकॉज जीन्स आर ऑल्सो वेरी थिक बहुत ही जाड़े होते हैं तो घड़ी करके मज़ा नहीं आता रखने में तो आई हैव ऑल माई डेनिम्स ऑल्सो हियर जो ऑब्वियसली क्वारंटीन में इतने नहीं पहने गए हैं लाइक वी हैव ऑल इग्नोर्ड अवर जीन्स क्वाइट अ लॉट एंड देन आई हैव फॉर्मल पैंट्स अगेन जो क्वारंटीन में ज़्यादा नहीं पहने एंड देन कम ऑल माई ट्रैक पैंट्स जिनको मैंने इतना वसूल किया है ना पूरे पैंडेमिक में बिकॉज बाहर जाते बार बार तो बार बार धोना पड़ता है तो ट्रैक पैंट्स आर रियली एबल टू टेक इट लाइक वो वॉश करके भी इतने जल्दी ख़राब नहीं होते जितने जीन्स की शाइन निकल जाती है सो आई यूज माई ट्रैक पैंट्स द मोस्ट फिर अ कपल बल्कि जैकेट्स है और उसका तो कुछ नहीं है दिस वन शेल्फ ऊपर जहाँ मेरा हाथ वैसे भी नहीं पहुँचता बट वहाँ पे पू है एंड देन द सैनिटरी नैपकिन्स एंड ऑल द थिंग्स जो मुझे रेगुलरली जरूरत नहीं होती सो देयर आर दोज थिंग्स जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ सैनिटरी नैपकिन तो महीने में एक ही बार चाहिए होता है तो तभी मैं नीचे ला कर रखती हूँ बाकी का टाइम इट स्टेज अप कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द वार्डरोब इट इज़ एक्चुअली क्वाइट मेसी यहाँ पे आई लाइक टू कीप माई लैपटॉप देयर नैपकिन का पैकेट ऐसे ही माई मॉम इज गोइंग टू गेट सो एंग्री एट मी फॉर नॉट क्लीनिंग माई वार्डरोब देन रैंडम स्टफ लाइक दिस आई वॉज सपोज टू गिफ्ट माई मॉम जो अभी वीडियो शूट कर रहे हैं एट बॉट दिस फॉर हर बर्थडे एज अ प्रेजेंट आई हैव स्टिल नॉट गिवन हर ऑल हर बर्थडे प्रेजेंट सो ये भी उसमें से एक है बिकॉज वी लव प्लेइंग गेम्स टुगेदर इसलिए मैं ये लाई थी दिस रियली प्रिटी ज्वेलरी बॉक्स थैंक यू शिवांगी शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड अ ग्रेट बिजनेस दैट शी रन्स कॉल्ड ब्लिंक 55 शी सेंट ऑल दीज इयररिंग्स यूज करने का चांस नहीं मिला बट आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टाइल देम एंड बस रैंडम कॉटन बॉल्स लाइक एंड दिस एरिया इज वेर आई यूजली कीप ऑल माई वायर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स छोटू मोटू वाले और मेरी घूमी हुई सिज़र मिल गई And then here, I keep watches. And my jewelry holder is right at the back, जो मैं regularly पहनती हूँ. तो this shelf is the most messy. And अभी मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं clean करने को, तो I'm going to leave it like that only. Then this first drawer is where I like to keep all my lingerie. It's super organized. And I always had a dream to have a lingerie ka drawer and finally wo ho gaya second drawer mein I keep all my top wear and a couple of bottoms here and there kyunki ab wahan pe upar jagah nahi hai so I have all my of course classic t-shirts and then a few samples that I keep trying here and there if we are going to launch a new material or a new style so I wear it so many times first and only then do we release it So I'll give you a sneak peek that we're very soon gonna come up with dresses. And this is not iron, so इसको judge नहीं करना. But this is 100% cotton. So I have worn this one so many times, washed it so many times, and then only we keep improving our fabrics before the launch. Next drawer में we have all my shorts, and that's because I absolutely love wearing shorts at home. बहुत ही comfortable, easy breezy feel होता है. So I have a full drawer dedicated to them only and it's very easy to choose them from here. And the last drawer is the most random. Like I have my hairbands here. जो मैं मेकअप करते वक्त या स्किन केयर करते वक्त मुझे पहनने अच्छे लगते हैं Then I have a lot of masks. Thank you Envy House for sending these in. Some more lingerie here जो ऊपर फिट नहीं आई थी And then my towels. I have a lot of towels. ये गमछे ही मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि बस रख के रखे इतने सारे एंड दैट्स इट बट दैट्स नॉट इट एट द सेम टाइम बिकॉज मेरी मम्मी का ब्रिलियंट दिमाग शी वॉन्टेड टू कीप द ड्रेसिंग टेबल ऑल्सो विद द वार्डरोब ओनली
सो दैट्स अ होल लाइक ड्रेसिंग टेबल जिसका तो हम ये वीडियो में नहीं करेंगे. व्हेनेवर यू वांटेड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एंड देन हम एक एक शेल्फ को अच्छे से साथ में ऑर्गेनाइज करेंगे. नाउ आई विल आंसर थ्री क्वेश्चंस अबाउट माय क्लोजेट. सो द फर्स्ट वन इज what is the most expensive clothing item in my wardrobe. Now technically it's that one dress that I have wo mere 10 most expensive things mein bhi aayega. It's a very traditional gown. What is the least expensive clothing item? I think kuch sarojini se liya hoga but I had bought this little spaghetti जो एक्चुअली बहुत ही बुरे हालत में है. उसमें पहले से धागे निकले हुए थे बट बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड फ्रॉम सरोजनी आई बॉट दिस. ये कुछ 125 रुपीज़ का था. सो आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट आइटम. नाउ कमिंग टू वॉट इज माई मोस्ट फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट आइटम. सो माई मोस्ट फेवरेट विल डेफिनेटली बी द लेमन येलोज फ्रॉम आर वेरी वेरी फर्स्ट लॉन्च बिकॉज येलो इज माई वाइब. लाइक येलो क्लोथ्स आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट. So currently this is my most favorite. And what is my least favorite? I'll show you. My least favorite are these kind of pair of shorts to a point where maine iska tag bhi nahi phada because they look amazing, theek hai, but they don't fit. And not just me, they don't fit most of my friends as in waist se aa jata hai but itne short hote hai ki bum har baar bahar hi gir jata hai. So technically I can wear them only when I'm alone, not when there's someone at home. So they kind of don't solve the purpose of wearing at home. So I'm waiting for the day when I can launch long but good looking shorts from our own brand. That was like a small rapid fire. Also, these are not all the clothes that I have because as a part of my job, I like to create different looks and for that, I have a lot of different experimental pieces jo main everyday wear mein nahi pehnti but wo kaam ke liye chahiye rehte hai to wo main na trolley bags mein store karke rakhti hu. So if you enjoyed watching this video, give it a thumbs up. If you didn't enjoy watching this video, then that's give it a thumbs down but just be honest with me. I will see you in a brand new video very soon. Until then, goodbye.